हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं बेटा। कल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था, उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो फॉर्मूलाज मैंने बॉक्स में बंद किए थे, सब फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हम फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, या फिर अब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी स्टेप बाई स्टेप कहीं ना कहीं यूज होंगी। इवन केमिस्ट्री में भी आपको यूज होंगी और फिजिक्स में भी आपको यूज होंगी, जो कि आपके लिए बेसिक्स है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या कि हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है 10th क्लास में पढ़ी थी, पहले हम उस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे जो 10th में हमने पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी थी। और उसके बाद हम नई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो नई ट्रांसफॉर्मेशन में आपको समझाऊंगा उसके लिए क्या स्टेप है, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें हमें ध्यान में नहीं रखनी है, सब चीजें बताकर आपको फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में जो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी होगी, देखो साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको हम बोलते थे किसके बराबर होता था, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर था बेटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने बड़ा था क्या, टेन कोस कन्वर्ट हो गया, सीकेंट 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सीकेंट बदलेगा आपका किसके में, कॉसिकेंट थीटा। ऐसे ही कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा ये होगा आपके किसके बराबर बेटा, सीकेंट थीटा। और एक टेंजेंट बदलेगा कोट में, और कोण बदलेगा टेंजेंट में, टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर कोट ऑफ थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। ठीक है, ये तो देखो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा कि 90 माइनस थीटा कर रहे हैं हर एंगल में, मतलब 90 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 90 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है 90 में ऐड करें। देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और ऑप्शन के साथ साथ क्या क्या हमारे जो कंसेप्ट बनने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखो क्या होगा, अभी साइन 90 माइनस थीटा है, ऐसा हो सकता है कि आप लिखो साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा चांसेस है, ये चांसेस है एक नंबर। ठीक, मतलब अभी 90 माइनस थीटा लिखा है तो आप लिख सकते हो 90 प्लस थीटा, उस केस में क्या होगा जो कि 10th क्लास में नहीं बताया जाता। ठीक है, सेकेंड केस आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रीज के साथ है, कोस के साथ भी होगा, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, कोस 90 कोस कोसिकेंट 270 प्लस थीटा, मतलब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है सब उसको डिस्कस कर सकते हो आप, है ना। अब इन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे निकलेंगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, और आज का टॉपिक और यही लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन और वो जो फॉर्मूला जो मैंने आपको कल बताए थे, वो दोनों चीज अगर आप डिस्कस कर लेते हो, दोनों चीज को ढंग से समझ लेते हो, तो उसके बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो कि 11th फिजिक्स में आती है, वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि कन्वर्ट किसको किसमें कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल हमारे पास पाई बाई 2, रेडियन में बात कर रहे हैं, वैसे 90 डिग्री हम बोलते ही हैं। यहाँ पर जो एंगल होगा हमारे पास कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, या फिर इसको रेडियन में बोल देते हैं पाई। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, या फिर इसको बोल देंगे 3π/2, और ये एंगल हमारे पास हो गया 2π, इसको बोल देंगे 360 डिग्री। तो डिग्री और रेडियंस में आपको बता चुका। तो पहले एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे आप। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास, साइन थीटा, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टेंजेंट और कोट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये रूल नंबर फर्स्ट है, आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या रहते हैं बेटा, सेम, मतलब इनके साइन चेंज नहीं होते अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन थीटा, और साइन थीटा का जो अपोजिट है क्या बेटा, कॉसिकेंट थीटा। ये दोनों क्वाड साइन ऑफ थीटा कॉसिकेंट थीटा ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहने वाले हैं बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसमें हमारे पास कॉस ऑफ थीटा और सीकेंट ऑफ थीटा, ये दो क्वाड्रेंट दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगी कॉन्स्टेंट। लास्ट जो हमारे पास वो होगा टेंजेंट ऑफ थीटा और कॉट ऑफ थीटा, इन दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहेगी बेटा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, देखो इसको याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर हम स्कूल के बाद किस में जाते हैं बेटा, कॉलेज में, ठीक है। आफ्टर मतलब ए का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव, स्कूल का मतलब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, टू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी बेटा, यहाँ टेंजेंट कोण जो आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और कोस थीटा और सेकेंड थीटा जो आएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा कोट ऑफ थीटा, सेम इन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकेंड ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा, ठीक है। और जो याद करने की ट्रिक थी वो ये है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड एस मतलब साइन ऑफ थीटा और कोसेकेंट ऑफ थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी, टेंजेंट और कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा और कॉट ऑफ थीटा, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा बेटा, कॉस ऑफ थीटा एंड सीकेंट ऑफ थीटा, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। तो इसको एक तरीके से और भी आप याद कर सकते हो, एड शुगर टू कॉफी, कैसे याद कर सकते हो बेटा, एड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक है जिस ट्रिक से आप ये लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप ये चीज जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में सब सेकंड में साइन थीटा कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट और कॉस पॉजिटिव है, अगर ये जानते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुके हो। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन जैसे करोगे, एक एंगल को दूसरे फॉर्म में, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को दूसरे फॉर्म में, तो आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट, होप सो आपको याद रहेगा, और याद नहीं रहे तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ट्रिक क्या है बेटा, आफ्टर व्हाट, स्कूल टू कॉलेज, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, कब हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ट्रांसफॉर्म होंगे, मतलब कन्वर्ट होंगे, और कब हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कन्वर्ट नहीं होंगे, दूसरा पॉइंट ये। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं यहां पर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये किसी और ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लिख देता हूं मैं, साइन 180 माइनस थीटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साइन 90 प्लस थीटा है तो ये कन्वर्ट होगा, यस yes. क्यों, क्योंकि यहां पर 90 है, और साइन 180 माइनस थीटा है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा,
क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, 180 है। एग्जाम्पल बता देता हूं, अगर आपके पास यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, 90 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई टू, ठीक, 90 का ऑड मल्टीपल हो, 90 का क्या हो बेटा, ऑड मल्टीपल, ऑड का मतलब 90 को 1 से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 270, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 540। अगर हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 90 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रांसफॉर्म होगा। किसमें ट्रांसफॉर्म होगा वो बाद में बात करेंगे। अगर हमारा जो ये एंगल है वो 90 का क्या हो बेटा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, या फिर क्या बोल सकते हैं पाई बाई टू का क्या हो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, देखो बेटा मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां पर हमारे पास 90 और 90 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है और 90 का 1 मल्टीपल है, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, यस। और अगर मैं ऐसे दूं साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ये भी ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। वो किस में कन्वर्ट होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ कितना है 270 जो क्या है 90 का थर्ड मल्टीपल है, मतलब 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से। अगर हमारे पास जो एंगल है, एंगल इज द ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, पाई बाय टू और 90 डिग्री, तब तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इट इज ट्रांसफॉर्म, ये होगा ट्रांसफॉर्म। और अगर ऐसा नहीं है, 180 का मल्टीपल है, 180 का मतलब 180 है, 360 है, 360 के बाद वापस 360 180 ऐड कर दो, है ना। अगर हम बोले पाई का मल्टीपल, देखो हमें ये बात पता है, अगर एंगल, देखो सिंपल तरीके से बता देता हूं आपको दोनों चीज के बारे में। अगर कहीं पर आपको एंगल ऐसे मिल रहे हैं, क्या चीज, पाई बाय टू, ठीक है, उसके बाद 3π/2, 5π/2, पाई बाय टू का और मल्टीपल 3 × 5 × और 7π/2, और हम बोल सकते हैं 2n-1 पाई बाय टू। अगर एंगल ये मल्टीपल है तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर एंगल हमारे पास कितने, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π एंड सो। और अगर हमारे पास एंगल जो है पाई का कैसा है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे साइन ऑफ मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ऐसे लिख दिया। अब 180 क्या है, पाई का फर्स्ट मल्टीपल है, मतलब पाई ही है 180, तो पाई प्लस थीटा लिख रहा हूं, तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन के अंदर ही रहेगा। और अगर मैं लिखता हूं क्या, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, या फिर इसी वैसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर रेडियन में, पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो किसकी फॉर्म में है बेटा, पाई बाय टू की ऑड इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको पॉइंट ये बताया, देखो तीन पॉइंट बताऊंगा, उन तीनों पॉइंट के बाद आपको समझ में आएगा कैसे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे में। तीनों पॉइंट समझ आने के बाद आपको बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो साइन के साथ या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर आपका पाई बाय टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो आप ट्रांसफॉर्म करोगे, और पाई बाय टू का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं को जनरल फॉर्म में लिख देता हूं मैं, जनरल फॉर्म में कैसे, देखो बेटा जनरल फॉर्म में ये आएगा हमारे पास कि साइन ऑफ, है ना, एंगल कितना है 2n-1 इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, यस। और हमारे पास क्या करवा लो, साइन ऑफ
एन पाई प्लस थीटा, एन पाई प्लस यहां पर टू एन प्लस वन करेंगे हम, सॉरी माइनस वन ही आएगा। अगर एन की वैल्यू क्या कर दे, एन की वैल्यू अगर हम वन पुट करें तो ये वन पाई बाई टू आ जाएगा, टू पुट करें तो कितना आ जाएगा, थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन। ये अगर ऐसा आ जाए और इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ओके रिपोर्ट है। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है साइन का या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मतलब जैसे देखो यहां पर हमारे पास टेंजेंट ऑफ एन पाई प्लस थीटा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, टेंजेंट ऑफ ऐसा है टू एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस थीटा, ट्रांसफॉर्म होगा, क्लियर है। तो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्म कब होगा, और सेकंड केस मैंने आपको ट्रांसफॉर्म कब नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या चीज नोटिस की जाएगी, देख हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, छह। तो जो साइन थीटा है वो बदलता है किसमें, कॉस ऑफ थीटा में, याद रखना साइन थीटा कन्वर्ट किसमें होता है बेटा, कॉस थीटा में। तो ऑब्वियसली बात है कॉस किसमें कन्वर्ट होगा, साइन ऑफ थीटा में। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ थीटा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कोट थीटा में, और कोट ऑफ थीटा कन्वर्ट होता है, ये स्टेप नंबर थ्री बता रहा हूं आपको, कोट थीटा में, और टेंजेंट बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा किसमें, टेंजेंट में। उसके बाद सीकेंड ऑफ थीटा बदलता है किसमें, कॉसिकेंड ऑफ थीटा में, और कॉसिकेंड ऑफ थीटा बदलता है किसमें बेटा, सीकेंड ऑफ थीटा। तो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि 90 है, और किसमें होगा, कोस में, किसमें होगा, कोस में, क्लियर है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको टेंजेंट 90 प्लस थीटा ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि पाई बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल है, किसमें होगा, टेंजेंट कोट में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ टेंजेंट 180 प्लस थीटा, ऐसे बोल दूं मैं क्या, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, या फिर इसी को रेडियन की फॉर्म में टेंजेंट पाई प्लस थीटा, ये ट्रांसफॉर्म दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये पाई बाई पाई के हमारे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रांसफॉर्म होंगे और कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे वो बता चुका हूँ, और कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में ट्रांसफॉर्म होंगे वो भी आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव। दूसरा, कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में ट्रांसफॉर्म होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री किस में ट्रांसफॉर्म होगा, टेंजेंट सीनियर सब बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो करना कैसे है। अब जो थर्ड स्टेप हो गया कंप्लीट, अब आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल ले चलता हूँ। मान लो साइन ऑफ हमारे पास है 90 प्लस थीटा, ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख दो रेडियन की फॉर्म में साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा समझने की बात करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा है मतलब 90 का क्या है, ओड मल्टीपल है, मतलब ट्रांसफॉर्म होगा। और साइन थीटा किस में ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, कोस थीटा में। साइन 90 प्लस थीटा हम लिखेंगे यहाँ पर किसके बराबर है, कोस ऑफ थीटा, क्लियर। ऐसे साइन पाई बाई टू भी किसके बराबर होगा, दोनों सेम ही है, एक में डिग्री ले रखा और एक में रेडियन, कोस थीटा हो गया। अब देखो कोस थीटा हो तो क्या है, कन्वर्ट तो हो गया क्योंकि नाइन पाई बाई टू की फॉर्म है, क्योंकि 90 की फॉर्म है। अब ये देखना है कि साइन जो है, साइन जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है, अब देखो हमने कह रहा क्या है, हम लोगों ने 90 में कुछ ऐड किया है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चेक करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा के बराबर, क्लियर है। ऐसे देखो एक और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सेकेंड ले लो एग्जाम्पल, साइन 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, माइनस करेंगे थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बट मैंने बोला कि अगर आपके पास 180 है, पाई है, टू पाई है, थ्री पाई है, फोर पाई है ना, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये साइन ऑफ थीटा के ही बराबर होगा, क्योंकि अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, और नहीं होने की वजह कि 180 है यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए साइन ऑफ थीटा, ठीक है।
ऐसे देखो और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं टेंजेंट 180 प्लस थीटा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड में। कौन से पहुंच गया? देखो 180 यहां पर प्लस थीटा थर्ड में पहुंच गया। अब थर्ड में पहुंच गया बेटा, थर्ड में हमें पता है, थर्ड में देखो हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव होता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और 180 है तो टेंजेंट चेंज नहीं होगा, टेंजेंट का रहेगा टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या समझ आ गया होगा? और देखो टेंजेंट को ही कर लेते हैं, टेंजेंट 270 प्लस थीटा। 270 आया है प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट पे टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव होता है तो ऑब्वियस ही बात है क्या आएगा? नेगेटिव। टेंजेंट 270, 270 मतलब 90 का थर्ड मल्टीपल है, 90 का थर्ड 5 7 मल्टीपल आ रहा है तो ट्रांसफॉर्म होगा, टेंजेंट कितना बनता है? cot थीटा में, तो माइनस हो जाएगा cot ऑफ थीटा। तो आप सब, आपको समझ में आया कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर? आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के, आप ट्राई करना, ठीक है? ट्राई करना कुछ क्वेश्चन, और जो ट्राई ना हो, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे वही व्हाट्सएप पर, जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, नंबर हमारा कितना है 8570882008, ये नंबर नोट कर लो, इस व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है? कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, कोई आर्टिकल समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा से आर्टिकल क्लियर कर दूंगा। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख के दे रहा हूँ आपको, जैसे साइन ऑफ 270 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। ऐसे ही कोसिकेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, ये सब आपको करना है घर पर। कोसिकेंट ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर सीकेंट ऑफ 360 प्लस थीटा, सीकेंट ऑफ 360 माइनस थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं घर पर, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं पहले आपको ये ब्रीफली दोबारा से बताऊंगा जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको पढ़ाया, पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आते हैं तो आप फिजिक्स के अंदर कई जगहों पर ये स्टेप जो मैं शॉर्टकट अप्लाई करूंगा और आपको पता होने चाहिए, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप उस आर्टिकल को समझ पाओगे, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम एक मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो चैप्टर कौन सा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ में आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।